सर्व पितृ अमावस्या व्रत कथा। श्राद्ध पक्ष की सर्व पितृ अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व है। 2023 में सर्व पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को शनिवार के दिन पड़ रही है। इस अमावस्या को पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि भी कही जाती है। यदि किसी भी कारण से आप इन श्राद्ध तिथियों में अपने किसी प्रियजन का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं या फिर आपको किसी अपने की श्राद्ध तिथि ही पता ना हो, तो आप सर्व पितृ अमावस्या को इन पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सर्व पितृ अमावस्या की कथा। एक बार अच्छुदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निष्पात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छुदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छुदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अच्छुदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितर अमावसु को एपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितर अमावसु ने कहा, हे अच्छुदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अच्छुदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण करना चाहती हूँ। अच्छुदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अच्छुदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी, और पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छुदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अच्छुदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य अंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर उन्हें पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छुदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और अश्विन मास की अमावस्या तिथि को सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में जाना जाता है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छुदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है।